नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट एडिटर की एक और फैंटेसी 11 वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले अफगानिस्तान और नीदरलैंड मुकाबले की। ये मुकाबला 3 अक्टूबर को लखनऊ के काना स्टेडियम में खेला जाएगा। काफी मजेदार मुकाबला होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें इस वर्ल्ड कप के बड़े बड़े उलटफेर कर आ रही है। एक तरफ जहां नीदरलैंड की टीम साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हरा कर आ रही है, तो वहीं अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान और डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को हरा कर आ रही है। तो दोनों टीमों के बीच काफी कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। ऑन पेपर अगर देखा जाए तो दोनों टीमें बराबर की दिख रही है, हालांकि थोड़ा सा 19-20 का फर्क हो सकता है, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान का थोड़ा स्पिन डिपार्टमेंट नीदरलैंड से आपको बेहतर दिखेगा, क्योंकि वहां पर मुजीब के साथ राशिद खान दिखेंगे। तो इस समय अगर देखा जाए अफगानिस्तान की टीम काफी बेहतर दिख रही है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन दोनों टीमों की फैंटेसी 11 के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं दोनों टीमों के बीच। अब तक 9 मुकाबले खेले गए, जिसमें से 7 मुकाबले अफगानिस्तान की टीम ने जीते, तो वहीं 2 मुकाबलों में नीदरलैंड को सफलता मिली है। यानी कि यहां पे अफगानिस्तान की टीम आपको नीदरलैंड पे भारी पड़ते हुए दिखी है। ओडीआई क्रिकेट में अगर बात की जाए तो यहाँ पे कल भी देखा जाए तो एक तरीके से अभी अफगानिस्तान की टीम थोड़ी सी ऊपर दिख रही है, क्योंकि अपने पिछले 3 मुकाबले जिस तरीके से इन्होंने खेले हैं काफी काबिले तारीफ है। अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान को जिस तरीके से हरा कर आ रही है, वो भी काफी मजेदार मुकाबला देखने को मिला था। तो अब प्रोबेबल 11 की तरफ बढ़ते हैं दोनों टीमों की। अगर कल की प्लेइंग 11 देखा जाए तो क्या हो सकती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नीदरलैंड की सबसे पहले प्लेइंग 11 अगर देखा जाए तो यहाँ पे विक्रमजीत सिंह के साथ आपको मैक्स ओडायड फिर से ओपन करते हुए दिखेंगे। हालांकि दोनों ही बल्लेबाजों का यह टूर्नामेंट अभी तक कुछ खास नहीं गया है, लेकिन उसके बाद वेस्ली बरेसी आपको 3 नंबर पे खेलते हुए दिखेंगे। कॉलिन एकरमैन है, साथ में स्कॉट एडवर्ड्स, बैस डी लीड, उसके बाद साई ब्रैंड हो जाएंगे, लॉगन वैन वीक हो जाएंगे, वेंडर मरवे होंगे, उसके बाद आर्यन दत्त और पॉल वैन मीकरेन आपको खेलते हुए नीदरलैंड की टीम में दिख सकते हैं। वहीं अगर अफगानिस्तान की बात करें तो रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम जादरान, उसके बाद आपको रहमत शाह, हसमतुल्ला शाहिदी के साथ आपको अजमतुल्ला उमर जई भी दिखेंगे, उसके बाद आपको इकरम अली खील विकेटकीपर बल्लेबाज, उसके बाद मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नवीलुल हक और फजल हक फारूकी आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। हालांकि लखनऊ में मुकाबला हो रहा है, इकाना की विकेट स्पिन गेंदबाजों को भी मदद करती है, तो ऐसे में नूर अहमद की भी टीम में प्लेइंग 11 में वापसी हो सकती है, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे चेन्नई में, वहां पे 4 विकेटें चटकाई थी, उसके बाद उनको रेस्ट दिया गया था। फजल हक फारूकी ने काफी शानदार प्रदर्शन किया था पिछले मुकाबले में, 4 विकेटें ली थी। तो अब देखना होगा कि नूर अहमद एक बार फिर से बेंच पर बैठते हैं या फिर प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं। लेकिन अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो इकाना की विकेट हमने जैसा देखा है कि अभी तक काफी जुली रही है। अगर बात की जाए बल्लेबाजों को भी थोड़ा फेवर मिलता है, वहीं साथ में तेज गेंदबाज और स्पिन गेंदबाजों को भी यहां पे मदद मिलती है। टर्न तो हमें देखने को मिलती है कुलदीप यादव को, जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ हमने गेंदबाजी देखी थी उनकी, काफी टर्न, जॉस बटलर का वो विकेट याद होगा, तो यहां पे आपको टर्निंग विकेट तो मिलेगी, लेकिन तेज गेंदबाजों का भी यहां पे रोल काफी अहम होने वाला है। जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी करी थी काफी काबिले तारीफ थी, तो यहां पे फजल हक फारूकी और नवीनुल हक, साथ में आपके जो बैस डी लीड हो गए ये, और बाकी नीदरलैंड के तेज गेंदबाज भी यहां पे वो मैच देखा होगा तो जानते होंगे कि तेज गेंदबाजों को भी यहां पे मदद मिलेगी। तो ऐसे में ये तीनों डिपार्टमेंट में अगर बात की जाए बल्लेबाजों को भी मदद करने वाली है विकेट, अगर अच्छे टाइम दिया आपने, थोड़ा समय देने की जरूरत है इस विकेट पे, अगर समय देते गए तो आप रन भी बना सकते हैं। साउथ अफ्रीका ने 311 रन यहां का अब तक का सबसे हाईएस्ट टोटल बनाया है, वो भी इसी टूर्नामेंट में बनाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा मुकाबला आपको खेलते हुए कल का ये दिखेगा। तो यहाँ पे पहली इनिंग का स्कोर देखा जाए तो 229 रन यहाँ का पहली इनिंग का एवरेज स्कोर है, उसके बाद सेकंड इनिंग का 207 रन है, तो 250 के आसपास का स्कोर आपको, मतलब 250 से 300 के बीच में ही स्कोर बनता हुआ दिखेगा। हालांकि भारत ने पहले बैटिंग करते हुए पिछले मुकाबले में 229 रन ही बना पाई थी, तो यहाँ और उसको भी इंग्लैंड की टीम चेज नहीं कर पाई थी, लेकिन यहाँ पे अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो चेज करते हुए टीमों ने 9 मुकाबले जीते हैं, जबकि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने केवल 4 मुकाबले जीते हैं। हालांकि पिछला मुकाबला भारत ने जीत लिया था पहले बैटिंग करते हुए, क्योंकि उनकी गेंदबाजी काफी शानदार रही थी, तो यहाँ पे जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी वो एक अच्छा स्कोर बनाना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पे चेज करना थोड़ा रिकॉर्ड के हिसाब से आसान बनता है। टॉप पिक्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे टॉप पिक्स में अगर देखा जाए तो अजमतुल्ला उमरजई आपके लिए काफी बेहतरीन पिक हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, अपनी अर्धशतक उन्होंने लगाया, भारत के खिलाफ भी लगाया था जब मुकाबला हुआ था, उसके बाद पिछले मुकाबले में भी जिस तरीके से उन्होंने अर्धशतक ये पारी खेली थी वो काबिले तारीफ थी, और साथ में गेंद से भी आपको विकेट निकाल के देते, तो यहाँ पे टॉप पिक आपकी अजमतुल्ला उमरजई होने चाहिए। तेज गेंदबाज भी है, इकाना के विकेट पे तेज गेंदबाजों को भी
मदद मिलती है, तो वहां पर ये भी विकेट आपको निकालते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद अगर दूसरी तरफ ध्यान दिया जाए नीदरलैंड की टीम में, तो वहां पर स्कॉट एडवर्ड्स हो सकते हैं जो नीचे आके आपको काफी अच्छी बल्लेबाजी करके दे रहे हैं, तो स्कॉट एडवर्ड्स भी आपकी एक टॉप पिक्स में आ सकते हैं। तो अब फैंटेसी 11 टीम बना लेते हैं। विकेट कीपरों की बात करें तो यहाँ पे विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में आपके पास दो बड़े अच्छे ऑप्शन है, रहमान उल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान की तरफ से और नीदरलैंड के खुद ही कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स जो कि नीचे आके 5-6 नंबर पे वो काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। नीदरलैंड के लिए काफी अच्छे रन बनाए उन्होंने और कप्तानी भी काफी लाजवाब कर रहे हैं और विकेट के पीछे भी उनका काम काफी शानदार है। तो यहाँ पे ये दो विकेट कीपर बल्लेबाज अपनी टीम में जरूर रखिएगा, रहमान उल्लाह गुरबाज और स्कॉट एडवर्ड्स को। उसके बाद बल्लेबाजों की बात करें, रहमत शाह और इब्राहिम जादरान आपके लिए बहुत अच्छे पिक हो सकते हैं। इब्राहिम जादरान ओपन करेंगे, साथ में रहमत शाह 3 नंबर पे खेलते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो हजमतुल्ला शाहिदी को भी रख सकते हैं इब्राहिम जादरान की जगह, लेकिन मैं अपनी टीम में रखूंगा रहमत शाह और इब्राहिम जादरान को। उसके बाद ऑलराउंडर्स की बात करें तो यहाँ पे लॉगन वैन वीक आपके काफी अच्छे ऑलराउंडर हैं, गेंद से भी विकेट लेते हैं और बल्ले से भी रन बनाना जानते हैं, तो यहाँ पे लॉगन वैन वीक को रख सकते हैं। उसके बाद अजमतुल्ला उमरजई, जैसे कि मैंने बताया भी कि टॉप पिक्स होंगे आपकी, तो अजमतुल्ला उमरजई को भी आप अपनी टीम में रखिएगा। उसके बाद बैस दी लीड जो कि नीदरलैंड के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इस टीम के हैं और काफी अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, विकेटें भी निकाल के देते हैं। हालांकि वर्ल्ड कप का उनका सबसे महंगा स्पेल भी रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने, लेकिन उसको पीछे छोड़ दीजिए क्योंकि वो विकेटें भी निकालना चाहते हैं तो आपको पॉइंट्स तो जरूर दिला के जाएंगे। तो बैस दी लीड, लॉगन वैन वीक और अजमतुल्ला उमरजई आपकी ऑलराउंडर पिक हो सकते हैं। उसके बाद बॉलर्स की बात करें, स्पिन विकेट होने वाली है, राशिद खान मुजीबुर रहमान को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, दोनों को अपनी टीम में जरूर रखिएगा। उसके बाद फजल हक फारूकी एक तेज गेंदबाज और साथ में आर्यन दत्त जो नीदरलैंड के काफी अच्छे स्पिन गेंदबाज युवा खिलाड़ी है, बल्ले से भी रन बनाना जानता है, अगर बल्लेबाजी आती है तो वो उसमें आपको भी योगदान दे सकता है। तो ये थी नीदरलैंड और अफगानिस्तान मुकाबले की फैंटेसी 11 टीम, उम्मीद होगी आपके काम आएगी, आपको ढेर सारे पॉइंट जिताएगी और साथ में आप हमारी वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पे जाके चैनल को फॉलो कर लीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।